जोकर। मैंने अपने लाइफ का सबसे पहला जोकर सर्कस में देखा था, बॉम्बे सर्कस में। जब वो जोकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था तब सर्कस में मौजूद सारे लोग एंटरटेन हो रहे थे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एज ग्रुप वाले लोगों को वो जोकर अकेला ही एंटरटेन कर रहा था। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस देख के हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटियां भी मार रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपना एक्ट खत्म करके वहां से चला गया और सर्कस के बाकी लोग अपनी परफॉर्मेंस देने आए, तब ऑडियंस थोड़ा बोर होने लग गई। उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत एंटरटेन किया, लेकिन जो मजा लोगों को जोकर की परफॉर्मेंस देख के आया था वो मजा उनको बाकी की परफॉर्मेंस से नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि यार जोकर में ऐसी क्या बात थी जो सर्कस के दूसरे परफॉर्मेंस में नहीं थी। तो यही जानने के लिए मैंने 1970 में आई मूवी मेरा नाम जोकर 2010 में देखी, और वो मूवी देख के मैं समझ गया कि जोकर की लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी होती है। उसके लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन उसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना ही होता है, और ये बात तो आप सबको मालूम ही होगी, है ना? आपको मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन मुझे जोकर के बारे में थोड़ा और डीप में जानना था, तो जोकर को और थोड़ा डीप में जानने के लिए मैंने अक्षय कुमार की जोकर मूवी देखी। भाई साहब कसम से कहता हूँ, जितना भी मैंने जोकर के बारे में थोड़ा बहुत समझा था ना, साला ये मूवी देखने के बाद सब ऊर्जा काले कावा हो गया बे। मैं ये मूवी देख के जोकर के बारे में जानना चाहता था, और ये लोग खुद एलियन और जोकर में कंफ्यूज थे। क्या बात है, क्या बात है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या ये फालतू की बातें करके हमें सड़ा रहा है। थंबनेल और टाइटल में तो टिकटॉक का जोकर है और ये हमें सर्कस के जोकर की स्टोरी सुना के पका रहा है। देखिए हम टिकटॉक के जोकर पे भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले सर्कस वाला जोकर आएगा, फिर मूवी वाला जोकर आएगा, और बाद में टिकटॉक वाला जोकर आएगा। तो सर्कस और मूवी वाले जोकर की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं टिकटॉक वाले जोकर्स की। तो लेडीज एंड लेडाज, अब हम आपके सामने पेश करते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा और सबसे बहादुर जोकर, जिसका नाम है रिज एक्स स्टार। भाई वो रिज एक्स स्टार नहीं होता, एक्स को साइलेंट रखना पड़ता है। हाँ ठीक है ठीक है, तो पेश है आपके सामने टिकटॉक का नया जोकर रिज एक्स साइलेंट स्टार। कौन है आप? ऐसे कौन डराता है भाई, इतना कैरेक्टर में मत घुसा करो यार। अच्छा हुआ साला लाइट ऑन करके वीडियो देखा, अंधेरे में देख लेता तो साला कल सोशल मीडिया पे मेरे नाम के RIP सो सैड वाले कमेंट्स घूम रहे होते, और वो कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं ही नहीं होता, तो साला मुझे कितना दुख होता आप ही समझो। इसीलिए कहता हूँ जब तक जिंदा हूँ मेरे वीडियोस पे कमेंट किया करो। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। बचपन में मुझे जितना डर साला अंडरटेकर की आंखें देख के नहीं लगा था, उससे कई ज्यादा डर तो मुझे इस बंदे की आंखें देख के लगा जब मैंने पहली बार इसकी वीडियो देखी। सच में यार गलती से भी अंडरटेकर ने इसका ये वीडियो देख लिया ना, तो अंडरटेकर खुद सामने से इस बंदे को वीडियो कॉल करके एक ही बात बोलेगा कि मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। लेकिन कुछ भी कहो यार, बंदे में टैलेंट तो है, और वो भी जोकर वाला। तो जोकर गैस तो टिकटॉक पे फैल नहीं थी, तो चलिए देखते हैं ये जोकर गैस किन किन लोगों के अंदर समा चुकी है। नहीं यार मजा नहीं आया, कुछ तो मिसिंग है इसमें, चलो फिर से देखते हैं। अब ठीक है, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है इसने, मजा आ गया। इतनी जल्दी तो साला अपरिचित भी अपना कैरेक्टर नहीं बदलता जितनी जल्दी इसने बदला है, और इसने सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बदला, कैरेक्टर के साथ साथ इसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक सेकंड, इस अंकल जी का थोबड़ा किधर तो भी सुनेला लगता है। इस अंकल जी को मैंने कहीं तो भी देखा है। कहाँ देखा है? हाँ याद आया, ये अंकल तो शायद वीराना मूवी में थे। अच्छा मायला, ये तो सेम टू सेम है बे। ए
भाई क्या कर रहा है यार, आंखें ऊपर जानी चाहिए, इसको देख, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंखें ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। एक सेवन एक्शन। नहीं भाई, आंखों पे ध्यान दे, पुतलियां ऊपर डाल। 132 एक्शन। देख, मुझे पता है कि तू कर सकता है, बस आंखें ऊपर डाल। ठीक है, 157 एक्शन। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। सब लोग साला जोकर का फेस बनाने की ट्राई कर रहे हैं और इस भाई साहब ने कब्स का चेहरा बना के सबको चौंका दिया। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? डिजिटल इंडिया से देश इतना डिजिटल हो जाएगा साला कभी सोचा भी नहीं था। एक जमाना था जब दादी लोग अपने पोतों को कहानियां सुनाया करती थी और वो भी इतना मन लगा के सुनाया करती थी कि पोते को लगता था कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा है। और किसी दिन अगर गलती से भी दादी ने हॉरर कहानी सुना दी ना, तो पोता चड्डी में सुसु करता था। लेकिन दादी तो दादी है, वो पोते को डायपर पहना के फिर से बैठा देती थी, लेकिन अपनी कहानी पूरी करती थी। लेकिन जब से डिजिटल इंडिया है, तब से दादियों ने कहानियां सुनाना छोड़ के पोतों के साथ टिकटॉक बनाना चालू कर दिया। लेकिन दादी तो दादी होती है और दादी ने तो यहाँ भी बाजी मार ली। इस एक के आगे तो साला ओरिजिनल भी पानी कम चाय लग रहा है। वो तो शुक्र करो कि टिकटॉक पहले नहीं था, अगर होता और दादियाँ ऐसे रूप में पोतों को कहानियाँ सुनाने लगती तो पोते तो साला कभी बड़े ही नहीं होते। सही पकड़े हैं। आप इस जोकर मेनिया को हल्के में मत लो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। यकीन नहीं आता तो ये देख लो यार। भैया ये एड्रेस बता सकते हो? अरे भैया ये एड्रेस बता सकते हो यार आप? यार अगर आप और जोकर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल जोकर वाली वीडियो की लिंक है, तो फटाफट जाके उस स्पेशल जोकर वाली वीडियो देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। तो आज का लाइक हम रखते हैं 7000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो देर किस बात की, तो जाओ यार फॉलो करो, डीएम करो, सबको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।